चलिए अब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं हमको, है ना। इसमें कौन सी चीजें हैं? समझो था ये साइक्लोपेंटीन है, इसके ऊपर KNO4। अब जब पढ़ा था अपने तो कौन सी चीज बोली थी कि यदि हॉट स्पेसिफाइड नहीं हो तो उसको फिर अपन कोल्ड ही मानेंगे। मतलब क्या रहेगा, ये बेयर्स रिएजेंट होगा। बेयर्स रिएजेंट से क्या होता है, सिन हाइड्रोक्साइलेशन। मतलब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पर एक एक OH आ जाएगा, और सिन हाइड्रोक्साइलेशन मतलब क्या रहेगा, तो बोलेंगे यहाँ पर दोनों कार्बन पर OH आ जाता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन पर OH है, सिन हाइड्रोक्साइलेशन मतलब सेम साइड है, मतलब कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वाला कंपाउंड जो होगा क्या हो जाएगा, दैट इज मीजो। क्लियर है, नहीं? कंपाउंड जो बनेगा दैट इज व्हाट इट इज, मीजो, है ना। इसके बाद फिर ये साइक्लोहेक्सीन है, इसके ऊपर OSO4 NaHSO3 फॉलोड बाय H2O2। तो ये जो होता है ये भी क्या रहता है, तो हमने बोला था OSO4 से भी क्या होता है, इट इज सिन हाइड्रोक्साइलेशन ही होता है। तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सीन पर दोनों OH सेम साइड आ जाएंगे, दोनों कार्बन काइरल हैं, OH सेम साइड है, मतलब ये भी क्या बनेगा, दैट अगेन इज मीजो, है ना। तो प्रोडक्ट की स्टीरोकेमिस्ट्री बताने के लिए बोला था मैंने, तो यहाँ पर भी मीजो बन रहा है, फर्स्ट में, सेकेंड में भी क्या बनेगा, दैट इज मीजो कंपाउंड, है ना। थर्ड वाले में सिस ब्यूटूइन है, उसके ऊपर KNO4 डाइल्यूट है ना, और कोल्ड है, तो क्या होगा, फिर से बेयर रिएजेंट है। तो क्या पढ़ा था अपने, एक वो रिलेशन मैंने आपको बताए थे कि सिस अल्कीन पर सिन एडिशन होता है तो क्या बनता है, मीजो कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे ब्यूटेन-2,3-डायोल बनेगा, जो कैसा बनेगा, दैट इज मीजो फॉर्म में बनता है। समझ आ गई बात, ये नहीं मीजो फॉर्म में बनेगा, फिर ट्रांस ब्यूटूइन। अब इसके ऊपर फिर से वही बेयर रिएजेंट है, तो ट्रांस के ऊपर सेन एडिशन से क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। कैसे बनता है वो स्टीरोकेमिस्ट्री समझ चुके हैं अपन ना। अब डायरेक्ट रिजल्ट से आप आंसर ला सकते हो कि ट्रांस के ऊपर सेन एडिशन होगा तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा, तो बोलेंगे मीजो, है ना, ये ब्यूटेन-2,3-डायोल, ये भी ब्यूटेन-2,3-डायोल है, बट ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। ये क्या है, मीजो, उसी का ब्यूटेन-2,3-डायोल का, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, दैट इज डाया स्टीरोमेरिक रिलेशन, है ना। इनमें आपस में डाया स्टीरियोमेरिक रिलेशन होता है। समझ आ गई बात, ये है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा, इसमें कौन सी वाली चीज होती है, तो बोलेंगे जैसे दो पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन सी चीज पढ़ी थी हमने, पर एसिड वाला है, Ar-CO3H2O4, पर एसिड। तो पर एसिड से क्या बोला था हमने, तो बोला था कि दो अलग अलग टाइप के डबल बॉन्ड्स हो, तो जिस जगह पर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है इसका, दैट इज इपोक्साइड, ठीक है। तो इधर क्या है, 3 और 3 6, और एक 2 और 2 4, टोटल 10 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या है, 2 और 2 4, इन्हीं का हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे इपोक्साइड जो है वो यहाँ पर बनता है। समझ आ गई बात, ये ठीक है। फिर सिक्स वाला क्वेश्चन अगेन इज द सेम, बट रिएजेंट बनना है, MCPB, ये भी क्या बोला था, इट इज पर एसिड होता है, तो ये भी कौन सा काम करवाएगा, तो हमने बोला दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो रिएक्शन कहाँ करेगा ये, तो हम बोलेंगे वहां जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो यहाँ किसका है, 3 और 3 6 और 2 8, और इस पर कितना है, सिर्फ 2 का, ठीक है। यहाँ पर भी इपोक्साइड कहाँ बनेगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा था। क्लियर है अच्छे से, है ना। फिर इसके बाद ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन जो है, इसमें नहीं सॉल्यूशन में मैंने डबल बॉन्ड्स जो थे इनको टूटा हुआ बताया ही है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर से, टूटेगा इधर से, तो ये दोनों तो टर्मिनल अल्कीन थी, तो दो तो क्या निकल जाएंगे, CO2, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन CO2 बनकर उड़ गए। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमने बोला अगर एल्डिहाइड बनता है तो उसके थ्रू एसिड तक चला जाएगा, यहाँ कीटोन बनकर रुक जाएगा। यहाँ क्या है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, तो बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ भी COH और यहाँ भी COH है, ठीक है। अब आपको कौन सी चीज दिखेगी, तो हम बोलेंगे जैसे यहाँ पे COH के अल्फा कार्बन पर क्या है, C डबल बॉन्ड हो, है ना, अपना आप डी कार्बोऑक्सिलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि अब इसमें क्या है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कंपाउंड को अपन क्या कर रहे हैं, इधर हीटिंग चल रही है, तो यहाँ से क्या उड़ जाएगा, एक CO2 उड़ जाती है, और है ना डी कार्बोऑक्सिलेशन हो जाएगा बिना डी कार्बोऑक्सिलेटिंग एजेंट डाले, है ना। पढ़ा हुआ है अपन ने, इधर एडजेसेंट कार्बन पर COH है, इनसे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर भी होता है वैसे तो, पर अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, बट आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि -H2O बन के यहाँ पर साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। वो भी अपन लिख ले रहे हैं, आगे आएगा, ठीक है। तो
बट अभी अपन ने जितना पढ़ा था उससे यहाँ तक का क्वेश्चन अपने से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर फिर से दो जगह डबल बॉन्ड और हॉट के मेनू फोर है ना, वैसे ही ये टूटा, यहाँ सी डबल बॉन्ड और यहाँ सी डबल बॉन्ड, ये टूटा इधर सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे एच है, तो वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड किसको, एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लिया अपन ने, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिखा तो यहाँ पर फिर कौन सी चीज हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर क्या लगा, दिस इज सी डबल बॉन्ड हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको CO2 को उड़ा दो तो आंसर में क्या हो जाएगा, दिस बिकम CH3, ठीक है। आंसर में ये वाला जो कार्बन है CH2, इधर से CO2 उड़ने से ये वाला हाइड्रोजन इधर अल्फा कार्बन पर आ जाएगा, समझा गई बात, ही उधर जगह नहीं किस लिए लिखा नहीं मैंने, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये 9th वाला क्वेश्चन जो इसमें साइक्लोहेक्सीन के ऊपर पर फॉर्मिक एसिड दिया है, क्या पढ़ा था अपन ने कि यदि पर फॉर्मिक एसिड होता है तो बाहर से क्या डालने की जरूरत नहीं होती, तो हम बोलते हैं बाहर से एच पॉजिटिव डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो कौन सी चीज कर ली हमने, हमने तो बोला यहाँ पर है ना, इधर इन दोनों केसेस में हमने रिएक्शन इपोक्साइड पर रुकवाया था, यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इपोक्साइड के थ्रू रिएक्शन डायरेक्टली कहाँ तक चली जाएगी, अप टू हाइड्रोक्साइलेशन। पर एसिड से होने वाला हाइड्रोक्साइलेशन क्या होता है, हम बोलते हैं पर एसिड के थ्रू होने वाला हाइड्रोक्साइलेशन होता है NT, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे जो कंपाउंड मिलेगा ये D+L फॉर्म में मिलेगा है ना। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में सिन हाइड्रोक्साइलेशन तो साइक्लोहेक्सीन पर, तो क्या बना था, इट इज मीजो, तो यहाँ पे पर फॉर्मिक एसिड से एंटी हाइड्रोक्साइलेशन है, तो क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे इट इज साइक्लोहेक्सीन 1,2-डायोल, किसका रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, आए ना समझ में, है ना। अब इसके बाद 10th वाले क्वेश्चन में क्या है, इट इज एन अल्किनाइन कंपाउंड कंटेन्स बोथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रिएक्शन किससे करवाई, CH3CO3H, मतलब पर एसिड से, पर एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही कंपाउंड में यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों हो तो पर एसिड जो होता है वो रिएक्शन सिर्फ कहाँ करता है, तो हम बोलते हैं दैट इज अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप में एच पॉजिटिव भी दिया था, मतलब हमको रिएक्शन को पूरा कहाँ तक ले जाना था, दैट इज अप टू हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों OH OH जो ये ऑपोजिट साइड चले जाएंगे, ठीक है। क्या मिलेगा, एक कार्बन भी कायरल, एक कार्बन भी कायरल, मतलब यहाँ भी रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, समझा गई बात, ये इधर भी फॉर्मेशन होगा किसका, दैट इज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, कंपाउंड में कोई और काइरल कार्बन पहले से नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा, क्योंकि दोनों इनेंशियोमर्स के बनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। बस फंडामेंटल कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमने बोला इधर सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, यहाँ पर क्या था, सी डबल बॉन्ड सी, तो कौन सी चीज है, तो हमने बोला पर एसिड के साथ रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पर नहीं होती, सिर्फ कहाँ होती है, डबल बॉन्ड पर होती है, समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसके बाद फिर 11th वाला क्वेश्चन है, अगेन इज मोर लाइक क्वेश्चन 8, बट एक पाई बॉन्ड और बढ़ाकर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए है ना, तो बस सिंपल वही करो, इसको तोड़ा तो यहाँ पे HH था, ये बन जाएगा COH COH, इसको तोड़ा तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो, इसको तोड़ा तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो, तो ये कार्बन हो गया COOH, ये कार्बन COOH, ये कार्बन कीटोन, ये कार्बन कीटोन, ये कार्बन कीटोन, ये कार्बन कीटोन, मतलब वैसे बना के लिख लिया हमने सिंपल ना, एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स मिल गए है ना, ऊपर भी ये और नीचे भी ये। अब इसमें देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अल्फा कार्बन पर सी डबल बॉन्ड हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल भी सेम है, तो कौन सी चीज हॉट के मेनो फोर है, मतलब गर्म करने पर क्या उड़ेगा इसमें से, ये CO2 उड़ जाती है, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा, ये CO2 उड़ी, तो दोनों जगह क्या मिल जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल ना, इट इज व्हाट दैट एसिटाइल एसीटोन, इसको हम बोलते हैं, जिसका टॉटोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि इसका इनॉल फॉर्म डोमिनेंट होता है इस पर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल एसीटोन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की ब्यूटी, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और सुंदर कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे जैसे एसिटाइल एसीटोन बना और ऑप्शन में भी आपको उसका इनॉल फॉर्म ले दिया, तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है जैसे, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके बजाय इसका इनॉल इज डोमिनेंट, क्योंकि इसकी इसका इनॉल क्या होता है, 76% पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, क्वेश्चन कैन इवन बी ब्यूटिफाइड बाय पुटिंग द ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में दे दिया और अगले ऑप्शन में इनॉल दे दिया इसका, तो ये क्या होता है, 24%, और इसका इनॉल होता है 76%,
तो ये बनेगा और बनकर टॉटोमराइज भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, समझा गई बात ये। तो दिस इज नॉट, मतलब दिस इज गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट, और इसका इनॉल फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। तो क्वेश्चन विल बिकम एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, समझा गई बात ये, है ना। चलो तो अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अब ओजोनोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है।